नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। और लेके आया हूँ आप लोगों के लिए अनदर इन्फॉर्मेशन जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। ये एक और शेयर दोस्तों, वन मोर शेयर डीलिस्टिंग। अब क्या करना चाहिए दोस्तों इस शेयर में? सबसे पहले वेदांता की न्यूज़ आई, फिर अदानी पावर की न्यूज़ आई कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी को डीलिस्ट कर रहे हैं। और वेदांता ने तो दोस्तों अपने शेयर होल्डर से पूछना भी शुरू कर दिया, ई वोटिंग भी शुरू कर दी है। और अब इस कंपनी के बारे में दोस्तों इन्फॉर्मेशन आई है कि ये कंपनी भी, इस कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बात डिस्क्लोज की है कि ये लोग भी क्या करना चाहते हैं, डीलिस्ट करना चाहते हैं अपनी कंपनी को। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यही देखने वाले हैं कि डीलिस्टिंग क्या होती है, क्या फर्क पड़ता है इन्वेस्टर पे, और कितनी तरह की डीलिस्टिंग होती है। आप लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ चेक कर सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूँ। इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा दोस्तों, साथ ही साथ आप लोगों को तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग इन सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं, और शेयर मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ आप लोग खुद भी चेक कर पाएंगे और खुद भी एज ले पाएंगे एक दूसरे लोगों से। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेता और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले ये आपकी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए दोस्तों क्या है, ये एक थंबनेल है वीडियो का जो कि मेरा वीडियो था। मैंने ये वीडियो बनाया था, कब बनाया था मैंने ये वीडियो, 14 मई 2020 को मैंने ये वीडियो बनाया था, 1 महीने से कम का टाइम। उस टाइम पे शेयर का प्राइस चल रहा था दोस्तों 265 रुपए का। ये शेयर है दोस्तों आईटी कंपनी का शेयर है, अंदाजा लगाइए कि कौन सा होगा। और मैंने लिखा था कि इन्फोसिस नहीं ले सकते हो तो इसे ले लो, स्टॉक बीटिंग इन्फोसिस इन ऑल पैरामीटर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और ये इसका लोगो है दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे थंबनेल में, या सॉरी जो कार्ड कहते हैं, कार्ड में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो को देखिएगा, वहाँ पर मैंने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बताया था इस कंपनी का, सारे के सारे एस्पेक्ट बताए थे। और 265 रुपये का था उस टाइम पर मात्र, और 5 जून 2020 के दिन दोस्तों इसकी क्लोजिंग हुई है 311 रुपये पे। 20% एक ही दिन में ये बढ़ा है डीलिस्टिंग की जैसी न्यूज आई। और दोस्तों अगर 265 के हिसाब से भी ले लिया होता किसी इन्वेस्टर ने, किसी सब्सक्राइबर ने, किसी व्यूअर ने यहां पे देख के, तो उसको दोस्तों ऑलमोस्ट 17% के रिटर्न यहां पे मिल जाते। तो दोस्तों जब न्यूज़ आ गई डीलिस्ट की, उसके बाद ले पाना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिनको सबसे पहले न्यूज़ मिलती है, बड़े बड़े एनालिस्ट, वो वहाँ पे मुनाफा कमा ले जाते हैं। लेकिन हम जैसे रिटेल इन्वेस्टरों के लिए दोस्तों हम लोग वीडियो बनाते हैं। अगर 14 मई के दिन किसी ने इन्वेस्ट कर लिया होता तो 17% का रिटर्न दोस्तों काफ़ी हाई होता है, वो भी मात्र 15, 20 या 22 दिन के अंदर ही दोस्तों, इतना अच्छा रिटर्न। तो दोस्तों ये तो रही इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कि मैंने वीडियो बनाया था, हमने वीडियो बनाया था, और काफ़ी रिटर्न आप लोगों को मिला होगा अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा। अब मैं कंपनी का नाम आप लोगों को बताता हूँ। कंपनी का नाम है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसके मैनेजमेंट ने घोषणा की है दोस्तों कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डीलिस्ट कर रहे हैं कंपनी को। तो कंपनी का थोड़ा सा डाटा रिकेप कर लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,304 करोड़ रुपए का, यानी कि मिड कैप कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 17 का चल रहा है दोस्तों। करंट प्राइस 311 का है। आज की डेट है दोस्तों 7 जून 2020, आज संडे है, आज मार्केट बंद है, और 5 तारीख को इसकी क्लोजिंग हुई थी कितने पे, 311 पे दोस्तों। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 29% का, डिविडेंड यील्ड 2.73% की, जो कि काफ़ी अच्छी है। प्रमोटर की होल्डिंग 62% से ज़्यादा की है, और प्रमोटर ने किसी भी शेयर को यहाँ पे प्लेज नहीं कर रखा है। 5 सालों की आरओसी की बात करें तो 36% से ज़्यादा की, 5 सालों का आरओई का एवरेज 30% से ज़्यादा का। प्रमोटर होल्डिंग के अलावा दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्रमोटर के पास ही शेयर होल्डिंग है, FPI ने और FII ने दबा के माल उठाया, लगभग 16 से 17% के करीब उनके पास है। DII जिसमें कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, बैंक, LIC, इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट आते हैं, उनके पास लगभग 13% के करीब शेयर होल्डिंग। और माइनॉरिटी शेयर होल्डर यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर है, लगभग 7.88% की शेयर होल्डिंग किसके पास है, रिटेल इन्वेस्टर के पास है, जैसे आप और हम जैसे लोगों के पास। तो सबसे ज़्यादा मुनाफा कौन ले गया दोस्तों यहाँ पर, प्रमोटर और FPI FII यहाँ पर ले गए। अब मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, इसने डीलिस्टिंग के लिए कहा है। आप डीलिस्ट दोस्तों दो तरह की होती है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले हमारे इंडिया में दोस्तों कौन ये सारी चीजें देखता है, हमारे इंडिया में ये सारी चीजें कौन चेक करता है, कौन इसके लिए रूल्स बनाता है, तो सेबी बनाता है दोस्तों। तो सेबी की साइट से ही मैंने ये जो डॉक्यूमेंट है PDF डाउनलोड किया है, उन्हीं की लैंग्वेज में देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है डीलिस्टिंग की। 2009 का ये रेगुलेशन है उनका। और जब भी दोस्तों आपको किसी भी शेयर मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी हो इस तरह की, तो आपको डायरेक्टली सेबी की वेबसाइट पर चले जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सेबी है जो ये सारी चीजें रेगुलेट करता है। मुझे पता है दोस्तों आप लोग सेवी से वाकिफ होंगे।
तो सबसे पहले ना इनका कहना है कि व्हाट इज मीन्ड बाय डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटी की डीलिस्टिंग क्या होती है? द टर्म डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज मीन्स रिमूवल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए लिस्टेड कंपनी फ्रॉम ए स्टॉक एक्सचेंज। तो डीलिस्टिंग का मतलब स्टॉक एक्सचेंज में ये होता है दोस्तों, या शेयर मार्केट में ये होता है कि कोई भी जो सिक्योरिटी है उसको रिमूव किया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज से, और एज ए कंसिक्वेंस ऑफ डीलिस्टिंग द सिक्योरिटीज ऑफ दैट कंपनी वुड नो लॉन्गर बी ट्रेडेड एट दैट स्टॉक एक्सचेंज। और जो जब उसको रिमूव किया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज से, तो उसके कंसिक्वेंस में क्या होगा दोस्तों कि जो वो सिक्योरिटी है उसको ट्रेड नहीं किया जा सकता किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जहां से उसको डिलिस्ट कर दिया गया हो। जैसे कि उसको आप बाई नहीं कर सकते, फिर डिलिस्ट होने के बाद उसको आप सेल नहीं कर सकते स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू दोस्तों। अब इसमें दो तरह के यहाँ पे डिलिस्टिंग होती है, और जो हेक्साबेयर ने यहाँ पे रूट है दोस्तों हेक्साबेयर का, वो है वॉलेंटरी डिलिस्टिंग का। दूसरा डिलिस्टिंग होता है दोस्तों कंपल्सरी डिलिस्टिंग का। ये दोनों में डिफरेंस मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। इन वॉलेंटरी डिलिस्टिंग ए कंपनी डिसाइड्स ऑन इट्स ओन टू रिमूव इट्स सिक्योरिटी फ्रॉम ए स्टॉक एक्सचेंज, वेयर एज इन कंपल्सरी डिलिस्टिंग द सिक्योरिटी ऑफ ए कंपनी आर रिमूव्ड फ्रॉम ए स्टॉक एक्सचेंज एज ए पीनल मीजर फॉर नॉट मेकिंग सबमिशन कंप्लाइंग विद वेरियस रिक्वायरमेंट्स सेट आउट इन द लिस्टिंग एग्रीमेंट विद इन द टाइम फ्रेम्स प्रिस्क्राइब। अब वॉलेंटरी जो डीलिस्टिंग है, जो कि इसने रूट अपनाया है हेक्साबेयर ने, वेदांता ने भी वही अपनाया है, उसमें ये होता है दोस्तों कि सपोज दैट कोई कंपनी है, उसका मैनेजमेंट, उसके प्रमोटर ये चाहते हैं कि हम कंपनी के जो कॉरपोरेट अफेयर्स उनको और अच्छा करने के लिए, उसकी गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस और अच्छी करने के लिए, कंपनी के और अच्छे तरीके से ग्रोथ करने के लिए सारे के सारे शेयर उनके पास, उसको प्राइवेटाइजेशन उसका किया जाए जिससे कि अपने प्राइवेट में वो कंपनी रहे और हम कुछ भी वहां पर निर्णय ले सकें अच्छे करने के लिए। तो वो किस में आता है, उस तरह का जो जो मैनेजमेंट चाहता है, जो प्रमोटर चाह रहे हैं, वो वॉलेंटरी डीलिस्टिंग कहलाता है। एक होता है कंपलसरी डीलिस्टिंग। कंपलसरी डीलिस्टिंग मतलब दोस्तों कि किसी कंपनी ने जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, या जब उसको फाइल करने होते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट, जस्ट फॉर एग्जांपल दोस्तों वो टाइम फ्रेम जो दिया गया है एक्सचेंजेस के द्वारा, सेबी के द्वारा, उसमें अगर वो फाइल नहीं करता है तो उसको करवाया जाएगा कंपलसरी डीलिस्टिंग। तो कंपलसरी डीलिस्टिंग दोस्तों डेंजरस हो सकता है, लेकिन वॉलेंटरी डीलिस्टिंग दोस्तों शेयर होल्डर के लिए मुझे लगता है कि बुरा नहीं है। अब होता क्या है दोस्तों यहाँ पे वॉलेंटरी डीलिस्टिंग में, वॉलेंटरी डीलिस्टिंग में ऐसा नहीं है कि किसी ने भी, इन्होंने अभी फ्लोर प्राइस जो दिया था दोस्तों हेक्साबेयर मैनेजमेंट ने, जो इंडिकेटिव प्राइस दिया था 287 रुपये पर इक्विटी शेयर का दिया था, इन्होंने कहा था कि 287 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से हम खरीद लेंगे, लेकिन दोस्तों जो एनालिस्ट हैं बड़े बड़े, उन्होंने बहुत हाई इसके प्राइस बताए हैं और इसी वजह से ये भाग गया है शेयर। अब वॉलेंटरी डीलिस्टिंग में क्या होता है कि जब शेयर को डिलीस्ट करना होता है, तो ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि हम डिलीस्ट कर रहे हैं और उसके बाद डिलीस्ट कर दिया, नहीं, पहले शेयर होल्डर से दोस्तों ई वोटिंग के थ्रू पूछा जाता है कि क्या आप इस प्राइस पे इसको डिलीस्ट करवाना चाहते हो, अगर वो एग्री हो जाते हो तभी डिलीस्ट होता है। और डिलीस्ट होने के लिए भी जो उसका प्राइस डिसाइड किया जाता है वो रिवर्स बुक बिल्डिंग के द्वारा किया जाता है। ये एक प्रोसेस है दोस्तों जिसके द्वारा कि कंपनी के असेट देखे जाएंगे, लाइबिलिटीज देखे जाएंगे, और तब निकाला जाएगा कि कंपनी के पर इक्विटी शेयर का वैल्यू क्या रहेगा, वो मार्केट प्राइस से बिल्कुल डिफरेंट होगा दोस्तों। तो ये न्यूज़ थी दोस्तों, इसी न्यूज़ की वजह से जो हेक्साबेयर टेक्नोलॉजीज का शेयर था वो बहुत भागा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिए गए हैं एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा के दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक पर क्लिक कीजिए, तुरंत अकाउंट ओपन कीजिए जिससे कि आप लोगों को दोस्तों काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। जीरो ब्रोकरेज हाउस है दोस्तों दोनों के दोनों। तो अब मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को क्या करता हूँ, पुश करता हूँ कि आप लोग खुद एनालिसिस करना सीखें। तो सबसे पहले इस तरह के जो न्यूज़ है वो कहाँ मिलेंगे आपको, कहाँ वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे दोस्तों? तो आप क्या करेंगे, बीएससी की वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे। बीएससी की वेबसाइट्स के अंदर आपको एक वहां पे टैब मिलेगा कॉर्पोरेट्स का, कॉर्पोरेट्स पे क्लिक करेंगे और कॉर्पोरेट्स के अंदर आप जाएंगे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में। जब वहां पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको वहां पे 3-4 विंडो दिखाई देंगे, जैसे कि डेट वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि किस डेट से किस डेट के बीच, कंपनी नेम से आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों, और कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आपको एजीएम के बारे में ढूंढना है, बोर्ड मीटिंग के बारे में ढूंढना है, कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में ढूंढना है, न्यू लिस्टिंग के बारे में ढूंढना है, रिजल्ट और इनसाइडर ट्रेडिंग, सारे सारे वहां पे कॉलम आपको मिल जाएंगे।
और कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जो इनकी फाइलिंग थी उसका पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर लिया है पहले ही, मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ, और आप इसी लिंक पे जाके दोस्तों इसके पीडीएफ को पा सकते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिएगा, यहाँ पे खुल रहा है ये पीडीएफ का जो डॉक्यूमेंट है। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज ने फाइल किया है, किसको, बीएससी और एनएससी दोनों को, क्योंकि दोनों जगह ये लिस्टेड है। अब मैं आपको पढ़ के यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये 5 जून का इनका ये लेटर है और ये दिया गया है बीएससी और एनएससी दोनों को, ये फाइल करवाया गया है। प्रायर इंटीमेशन इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 29 ऑफ द सेबी, मतलब सेबी का जो रेगुलेशन 29 है उसके इंटीमेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों इन्होंने ये बताया है इनको, एंड द सेबी रेगुलेशन 2009, मतलब जितने भी रेगुलेशन उनके अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होनी है ऑफ हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मतलब हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की एक बोर्ड ऑफ मीटिंग दोस्तों होनी है, टू बी हेल्ड ऑन फ्राइडे जून 12, 2020, मतलब फ्राइडे के दिन जून 12, 2020 को होनी है, टू कंसिडर द प्रपोजल फॉर वॉलेंटरी डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, मतलब जो प्रपोजल दिया गया है मैनेजमेंट के द्वारा वॉलेंटरी डीलिस्टिंग करने के लिए हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के शेयर के दोनों एक्सचेंज से, 12 जून को उनकी एक मीटिंग होगी, बोर्ड की मीटिंग। तो बोर्ड जब अप्रूव करता है दोस्तों उसी के बाद ई वोटिंग, रिवर्स बिग बुक बिल्डिंग जैसे प्रोसेस शुरू हो पाएंगी। तो उसके लिए 12 जून का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों इन लोगों के लिए। तो मैं दोस्तों इतना ही आपको यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, जो मैंने आपको पाथ बताया था उस पाथ पे जाना है और पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ये रीड करना है। तो अब दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, बोर्ड मीटिंग होनी है 12 जून 2020 को, आप लोगों को मैंने बता दिया है, घबराने की यहाँ पे बात नहीं है, अच्छा शेयर है, अच्छे रिटर्न दिए हैं, हमारा वीडियो जिसने देखा होगा उसने भी अच्छे रिटर्न यहाँ पे कमा लिए होंगे। और प्लस दोस्तों जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, मैंने काफ़ी सारी न्यूज़ पढ़ी, उनका ऐसा मानना है कि इसका जो टारगेट है, इसका जो फेयर वैल्यू रहेगा, फेयर प्राइस रहेगा, वो 340 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का है दोस्तों, और इसीलिए इस पर 20% का अपर सर्किट लगा था 5 जून 2020 को हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। दोस्तों काफी अच्छा स्टॉक है, डीलिस्टिंग कर रही है कंपनी और इन्वेस्टर को काफी मुनाफा इस कंपनी ने दिया है, डिविडेंड भी काफी अच्छा पे करता रहा था ये स्टॉक अभी तक। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के लिए जो शेयर मार्केट में आपको एज देंगे। एक तो 340 का शेयर टारगेट दिया गया है दोस्तों, और 311 पे अभी ये ट्रेड कर रहा था। तो मंडे के दिन भी दोस्तों यहाँ पे एक्शन आप लोगों को जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।